अथ एकत्रिंशोऽध्याय विष्णुर महिमा अनेक कहन्ति सुत पौराणिक सुनि सकल मुनि गणे गोविंद आज्ञा परमाणि मिलि सकल ब्रह्म ऋषि वरुण पुरे दूत पेशी ज्येष्ठा कन्या को अणाइले विवाह मंडपे उभा कले अनेक लोक मिलित कन्या को देखुछन्ति रहिम स्वभावे अलक्ष्मिता नाम रूपता विपरीत कर्म वृथो शरीर वृद्धा जन विशाल हृदय कटिक्षीण पिंगल केश लंबा कर्ण रक्त नेत्र दीर्घानन दीपका चुली मध्य झिंका पराए दिशिका अति ओसार बेनी पाटी श्रवण परिजन्ते गोटी हरित वर्ण दंत पंती दिशि भयंकर मूर्ति जीवा खड़ग प्राय जानी ओष्ठ उन्नत खर वाणी दीर्घ चरण क्षुद्र कर अंगे से वस्त्र अलंकार किसी न दिशे ताको शोभा बकीर प्राय कर प्राय वक्र दृष्टि श्रीमंत रूप देखि कष्टि ताको देखि सर्वलोके आश्चर्य मणुछंति थोगे विष्णु आदेश उद्दालक स्वभावे सुज्ञ सुविवेक कन्या भी गुण न बाछिले लक्ष्मी को से विवाह कले विवाह बढ़ाई मुनि गण ब्रह्म सहित नारायण जे जहा पूरे कले विजे तुवंतरे सुन द्विजे अलक्ष्मी को संगरे घेनी से दालक मुनि निज आश्रमे जाए मिली जुवती देले हुलहुली मंगल विधि कले आनी ता देखी सागर दुल्लणी सुखन भजितार मनि प्रवेश मुनि सन्निधानी जौ शुणिला वेद ध्वनि आकुल होइला कामिनी दोहरा अग्निधूम भाषे विप्र नारी धर्म त्रासे अलक्ष्मी देह दुख लागे घर बाहर हेला बेगे दांडरे उबाला सीता देखी उदाल करुशी निज घर नि आगे मिली वचन कहती ओगाड़ी किंबा तुमर गृह छाड़ी सकल लज्जा दूरेड़ी दांडरे आसी हेलो भाए मते न दिशिला शोभा आवर कांदुअु कहे कि अभि गुण मोर गृह देखिया कुल मोर देह के कि बोइला मोते कह हेमंत पति मुख शुणी अलक्ष्मी कहु अछि वाणी हेम ऋषि तुम्हे सुन मुठारे अछि जेते गुण ताहा कहिबि तुम्ब आगे बना तो सुन अनुरागे मुझे वरुण राजा झियो जावत बादे मोर प्रिय जेवण गृह नित्य कली एक आर एक बरुआली पुत्र भारी जादा सदासी प्रभु को निंदुति वेवसी मंदिर संस्कार न करि पदार्थ करुथिब चोरी जई सकड़ जूत खेल मिथ्या कपट माड़ गोल परदार प्रीतिरे बासी एक आर एक परिहासी पर को कहुथिबे निंदे अपना गुण क्रियाबंदी जीवन को करुथिब हिंसा एमंत स्थाने मोर बसा जैन रसे मोर मन से कदा सुनत पोधन वेद वचन आदि गीत जे वाक्य गोविंद चरित या मुन शुणी कर्णे जे वाक्य मंगल विधाने नयने न देखता से कथा सुन मोर नाम तिर पुरुष आदि करी जे जन सुंदर सुंदरी सुक्रियावंत सुध चीते सुवेश हेउथिव नित्य सुसंच पुरे थिवे रही मुता न पारही सही हविषन्न सुधि पात्रे जे पुन तीर्थ पुण्य क्षेत्रे एते संतोष जार मन मुदे हुए कंपमान गंध चंदन जाति पुष्प मुन घे नई तार वास आमिष वास जई नाई मु तई न पारही रही तुम्ब मंदिरे घृत वास म नल धूपत्रास मुता न पारही सही वेद वचने मोर देही बाते कदली प्राय कंपे गरुड़ आगे जेने सर्पे मुई ओइले सही मती देखी तुम्बर एई मती यद्यपि अछि मोर आस कुसित स्थाने कर वास हेमंत कही सिंधु धेमा पुणि कांदई अलक्षमा ए वाक्य शुणि महारुषि चिंता सागरे गले भासी हृदय विचारंती रही एतिरे भल गति नाही जस आयुष सुत बीत क्षण के करि पारे हतम एनारी थिव जार घरे तार प्रमाद काही दूरे सन्निधे थिव सर्ववादे धर्म ध्वंसिनी प्रमादे एकुल कलंकिनी सल बेलकूप बेलहुँ उपेखिले भलम पुराणे कहिछन्ति मुनि कल स्त्री दुर्भादिनी स्वामी की निंदी बांधि पारे ताहाकु न रखिब घरे जेबे उप्रद भावे रखी
पश्चाते हुए बड़ दुखी सकल धर्म नाश जाई अंत नरक गति पाई। एकता जान मु भले कि प्रयोजन हेउतिले सदने रखिन जोगाई निर्जने निर्वासी बने हेमंत पंची महामुनि अलक्ष्मी को संगे घेनी केते दूरे दीपांतरे जन गम्य बन घोरे असत्य वृक्ष तले जाई से पति पत्नी उबा होई। से दिन शनिश्वर बार धर्म सुमरि मुनि बरम अलक्ष्मी को छंद कही एठारे था तुम्हें रही तोर श्रद्धा जई अबा से कथा निश्चय करिबा एवे तू एठारे रह मनरे संशय न पाओ। भक्ष पदार्थ तो निमंते घेनि मु आसई तोरीते स्वामी वचने सिंधु सुता मनरु दूर करे चिंता असत तोर मूले बसे सेठारु दल करु सीम निज आश्रमे जाई मिले मन चिंतिले बनमाली कही महादेव दास उद्धार क्षीरोद निवास कही महादेव दास उद्धार क्षीरोद निवास। इति श्री पद्मपुराण उत्तराखंडे कार्तिक महात्म्ये अलक्ष्मी वन निवासे नाम एकत्रिंशोऽध्याय विमस्या पीरण भंग मुनिरपि मति भ्रम यदि शुद्धं वा शुद्धं मम दोष न विद्यते।